नमस्कार दोस्तों, सारांश एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग काव्यखंड पढ़ रहे हैं। काव्यखंड की अगली कड़ी में जो नए कवि हम लेने जा रहे हैं वो छायावाद के अंतिम कवि और राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से भरे हुए राष्ट्रकवि, जिन्हें हम डिप्टी राष्ट्रपति या राष्ट्रकवि के रूप में जानते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को ले रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर, नाम सुनते ही आप उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां जो हैं उनको याद करेंगे, आप समझेंगे कि यह एक ऐसा कवि है जो कवि नहीं है, एक राजनैतिक व्यक्तित्व है। बहुत सारे विश्वविद्यालयों में कुलाध्यक्ष रहे हैं, कुलपति के तौर पर काम किया है इन्होंने, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। आज हम लोग उन्हीं के काव्य संग्रह रश्मिरथी को सुनेंगे और जानेंगे। रश्मिरथी काव्य संग्रह में 7 सर्ग हैं। हम पहले सर्ग से लेकर के अंतिम सर्ग आपको संक्षिप्त करके कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को सुनाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग कविता सुनते हैं, बाद में इसकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहला जो सर्ग है, प्रथम सर्ग है, रश्मिरथी का प्रथम सर्ग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओज और औदार्ध के कवि जो हैं वो कैसे अपनी बात को कहते हैं, आइए शुरू करते हैं। रश्मिरथी कर्ण के जीवन को ध्यान में रख के लिखा गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो बातें कही जाएंगी वो महाभारत के कथानक को आप ध्यान रखेंगे और उसमें कर्ण के चरित्र को आप ध्यान रखेंगे। आइए पहले कविता सुनते हैं। जय हो, जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, सिर नर में जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को, किसी वृत्त पर लिखे विपिन में पर नयनस्य हैं फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें हो त्याग तपस्या, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींचकर ही रहते हैं इतिहासों में लीक, जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धरा पर बहती हुई पिटारी, सूत वंश में पला चखा भी नहीं जनित का छीर, निकला कर्ण सभी युगों में सबसे अद्भुत वीर गंभीर, तन से समसूरत मन से भावुक स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं सील का पौरुष का अभिमानी, ज्ञान ध्यान शास्त्रास्त्र शस्त्र का सम्यक हो अभ्यास, अपने गुणों किया कर्ण ने अपने स्वयं ही सुविकास, अलग नगर में कोलाहल से अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्यमी हो लगा हुआ तन मन से, निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग में आँखों की दूर, नहीं नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित वार लिखते हैं पुरुषे दूर कुंज कानन में, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रहती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल, जलद पटल पर किंतु छपाता किंतु रवि का कवक बता रहा, युग की अवहेलना करके सुरमा कब तक सहा रहा था, पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके सक्षम पौरुष की पहली याग, रंगभूमि में अर्जुन था सब समा अनोखा बाधे, बढ़ा बीड़ भीतर भीतर साहस कर्ण संधारे, कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व से फूल, तेरा अर्जुन सुयस अभी क्षण होता है अभी धूल, तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नहीं कलाएं भी सिखला सकता हूँ,
आंखें खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सत्ता सुयस प्राप्त कर उसे नर हो धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध हो गई आंख पर टंगी रही जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन पा पारावर का था, गूंज रही थी मान मात्र कर्ण की धनवा की दंकार। फिर कर्ण ज्यो साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर बड़ी विपत्ति अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर साबास। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भारत वंश असंत पांडु को अर्जुन का है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है यों ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन ने ललकारा अर्जुन ने लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम किस जाति के कौन। जाति हायरी कर्ण का हृदय क्षोभ से डाला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते हो जिनकी पूंजी का केवल पाखन, मैं क्यों जानू जाति जाति ये है भुजदंड। ऊपर सिर से कनक छत्र भीतर काले काल, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूँ लेकिन मैं थे पिता पार्थ के कौन, सहसा हो तो कहो ग्लान से रह जाओ अब मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म का शोषण के बल पर सुख में पलते हो। अधम जाति के थर थर कांपे रहे तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे में दान। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समाज की दीप्ति लटक से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित मेरा है इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, छत्रित्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छिन्न इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति का दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता तो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतप्रद हुआ तनिक मन ही मन कुछ भरमाया, सहन सखा अन्याय सुयोधन पर बढ़ लागे आया। बोल पड़ा बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष तोड़कर गोत्र क्या हो रणधीरों का। पाते हो सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकला भीड़ से आया, अनायास आतंक संपूर्ण सभा में और बिछाया। कर्ण भले है सूत पुत्र हो अथवा सतपत चमार, मालिन मगर इसके आगे सारे राजकुमार। करना क्या है अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इसी विभूति का धरती के इस धन का। बिना राज्य के यदि नहीं वीरता का इससे अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के हित में अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजी रंग भूमि में दुर्योधन की जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन इस परार इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता से भर उसने भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा बंधु
हो शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज यदि तुमको, अरे धन्य हो जाए प्राण, तुम ग्रहण करो यदि मुझको। कर्ण और गल गया हाय, मुझ पर भी इतनी स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो देह। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, उसका ऋण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम। कृपा करे दिन मान किया हूं तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण के मुदित मुग्ध मुरवाली, होते ही लह लोग सूरता पूजन का अभिलाषी। चाहे कोई कहे द्वेष से, ईर्ष्या से मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पाल लेती पहचान। लोग पूछने कर्ण को कुसुम और कोमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक पुल काकुल कलकल से। विनयपूर्ण प्रतिनंदन हुआ ज्यों झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीरसा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीष्म ने और नहीं कुछ पाके। हाय की झाड़े पूछ आज तक रही यही पर काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बकवास करो मत, कहते हो धर्मज्ञ देश का विस्मन में धरते हो, बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम। नर का गुण उज्जवल चरित्र है नहीं वंश धन धाम। सचमुच ही कहा कर्ण ने तुम ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य को खोलो। अपना अवगुण नहीं देखते अजब जगत का हाल, निज आंखों में नहीं सूझता सच है अपना भाल। कृपाचार्य आ पड़े बीच में बोले छी यह क्या है, तुम लोगों के बीच न बची नाम की क्या यह हाय। चलो चलें घर को देखें होने को आई शाम, थके हुए होगे तुम सब चाहिए तुम्हें आराम। रंगभूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुणद्रोण, कहते हुए पार्थ पहुँचे राहु ने पीर किया कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टांग रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एक लब्ब से लिया अंगूठा कढ़ीन मुख से आह, चाह रहा चाहता हूँ निष्कंटक बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा है उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता के लक्षण को मिलता है। बढ़ता गया अगर वह निष्कंटक यह उद्भांत बल का, अर्जुन तेरे लिए कभी वह हो सकता है काल। सोच रहा हूँ क्या उपाय मैं इसके साथ करूँगा, इस प्रचंड धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊं न कर्ण को यह निश्चित है बात, ध्यान रखना विकट प्रतिभट का पर तू भी देता तात। रंग भूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते खुशी में गाते मौज के गाने। कंचन के युग शैल शिखर पर समस सुगंधित धूम सुधर सुवर्ण, गल बहिया दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य ने शीतल अस्तांचल पर, झूम रहे थे अंगपुत्र का स्निग्ध कोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विमर गया विक्षण क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। ओह हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबसे पीछे चली एक विकल मनो सती मन को। उजड़ गए स्वप्न की जैसे हार गई हो दाव, नहीं उठाए भी एक पाते थे कुंती के पांव। तो बहुत धन्यवाद, पहला सर्ग हमारा पूरा हुआ, सर्ग एक जो है हमारा अंत हुआ। आइए जरा रामधारी सिंह दिनकर के बारे में कुछ चर्चा कर लें। महाभारत का यह जो चरित्र है कर्ण,
उसके जन्म को लेकर के और राज्य में जब दुर्योधन द्वारा उसे राज्य दिया जाता है उसकी चर्चा इस सर्ग में हमें देखने को मिलती है। तो रामधारी सिंह दिनकर 1964 में जो चीन से युद्ध हुआ उसकी हार के बाद इनके मनोबल पे जो चोट पहुंचा, तो छायावाद के जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के कवि हैं, तो राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों में नागरिक चेतना और राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण के लिए हमें कैसे चरित्र की जरूरत है, रामधारी सिंह दिनकर ने ऐसे चरित्रों की निर्मिति की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रसमिरथी का जो नायक है वह कर्ण है और कौरव और पांडवों के बीच में उसके हालात की चर्चा है। यश और अपजस, सत्य और असत्य, दुख और सुख के बीच का यह जो द्वंद्व है कर्ण अपने चरित्र के माध्यम से इस काव्य में स्वयं ही उकेर देता है। यह एक खंड काव्य है। खंड काव्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हुई है कि यह ऐतिहासिक चरित्रों के माध्यम से एक चरित्र को लेकर के पूरा का पूरा काव्य संसार जो है इसमें रचा गया। और इस काव्यखंड में हमने देखा कि कैसे कर्ण के चरित्र का विकास होता है। अभी उसके जन्म की कथा नहीं है, वह राज्य में आता है, कौरव पांडवों के बीच में आता है, पांडवों के जो आचार्य हैं उन्हें डर रहता है कि अर्जुन को कैसे इससे बचाया जाएगा। वह अंतिम में अर्जुन से चर्चा करते हैं कृपाचार्य और सोचते हैं कि हम इसे कैसे बचाएंगे। जिस तरह उन्होंने एकलव्य से अंगूठा मांग करके अपना शिष्य बनाया था, इससे तो नहीं मांग सकते। इस तरह की चर्चा इस काव्य में पहले सर्ग में हमें दिखाई देती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सब पढ़ें, याद करें, तैयार करें, इस चैनल को आगे पढ़ें, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, इसे शेयर करके कुछ लोगों तक जिसे आप हिंदी साहित्य से जुड़े हों अभी तक उन्हें जरूर दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।